बहुत लोग काफ़ी दिनों से कह रहे थे ना कि भाई रैंक मोड खेलो रैंक मोड, और जो है वो अच्छे ओपोनेंट के सामने वाला रैंक पुश का वीडियो डालो। तो चलो अभी हम डायमंड 2 रैंक ओपोनेंट के सामने खेलने वाले हैं। टॉस जीत के तो मैं पहले बैटिंग का फैसला ही करने वाला हूँ। वैसे अपना रैंक यहाँ पे सिल्वर है, सामने डायमंड रैंक ओपोनेंट है, बट मज़ा आएगा बहुत ही खेलने में, क्योंकि जब रैंक हाई होता है ना तो खेलने का मज़ा कुछ और ही होता है, चाहे ओपोनेंट कैसा भी हो। बट चलो अभी शुरू करते हैं। वैसे पहली ओवर यहाँ पे ओपोनेंट डाउसन के साथ शुरू कर रहा है, तो मैं यहाँ पे खेलना शुरू करूँगा 156 शॉट के साथ। और चलो किस्मत अच्छी, यहाँ पे 4 रन मिल जाएंगे हमको, क्योंकि बड़े दूर से रनिंग करते हुए ओपोनेंट ने ओपोनेंट का जो फील्डर है उसने गुलाटी मारी है, तो 4 रन यहाँ पे मिल जाएंगे। इसको कहते हैं अच्छी शुरुआत। अब एक और बार 156 खेला है और इस बार 2 रन आ जाएंगे, तो अभी हम पहुंचेंगे 6 रन पे। अब तक अपना विकेट कोई गया नहीं है, तो ये एक चीज़ अच्छी है। वैसे 2 गेंदों में तो क्या ही खाक विकेट जाएगा। वैसे यहाँ पे एक और चौका, तो तीसरे गेंद पे एक और चौका मिलने की वजह से हम 10 रन पे पहुंच चुके हैं। तो शुरुआत हम अपनी काफ़ी अच्छी कह सकते हैं। इस बार तो मेरे ख्याल से कितने रन आएंगे यार, 2 रन आ जाएंगे, चलो ले ही लेते हैं। 4 गेंदे 12 रन 0 विकेट। वैसे रैंक पुश जब करना हो ना तो थोड़ा अच्छे से खेलना पड़ता है, क्योंकि जब आप ज़्यादा रन से जीतते हो या फिर ज़्यादा विकेट से जीतते हो तो आपके जो एक्सपी से वो थोड़ा ज़्यादा प्लस होते हैं, और जब एक्सपी 45 प्लस होते हैं ना तो ऐसा लगता है कि भाई वाह मज़ा ही आ गया। तो क्या है, थोड़ी मेहनत कम करनी पड़े रैंक पुश करने में, तो इसलिए हम भाई इस डायमंड ओपोनेंट की भी वाट लगाने ही वाले हैं। तो बस अभी पहला ओवर हो चुका है और हमने यहाँ पर टोटल 16 रन कर चुके हैं। वैसे बात करूँ ना आपने ओपनिंग पेयर की, तो मैंने शुरुआत में भाई ठीक ठाक टाइमिंग वाले ले रखे थे। अब यहाँ पे जैसे ही आउट होंगे ना ससुरे, तब मैं यहाँ पे अच्छी टाइमिंग वाले बैट्समैन लगाऊंगा। वैसे अभी देखो ये इस्लाम जो है वो अभी खेल रहा है, बट इसको भी अब आउट करवाना पड़ेगा। अब यहाँ पे मैं 274 खेलता हूँ, रिस्क है तो रिस्क है, बट चलो आउट ही हो चुका है, नो इश्यू। तो अभी अपनी शुरुआत कहे तो 18 रन पे 2 विकेट है, बट अपने पास 3 ऐसे बैट्समैन हैं जिसकी टाइमिंग 80 के आसपास है, जो यहाँ पे धुआंधार बल्लेबाजी कर सकते हैं। तो अभी 80 की टाइमिंग वाला बैट्समैन है अपने पास इविन लुइस, और यहाँ पे मैं छक्का मार ही दूंगा फाइनली 431 पे। अब नेक्स्ट बॉल गुगली है और यहाँ पे 281 पे एक और छक्का लगेगा, तो 2 छक्के बैक टू बैक। अब तीसरा बॉल लेग स्पिन बॉल, बट यार एक स्टेप आगे लेके आके मारते ना भाई तो ये भी छक्का चला जाता, बट कोई नहीं नो प्रॉब्लम। एक और 5 गेंद 31 रन 2 विकेट। अब यहाँ पे फिर से 281 खेला है और ये जाएगा चौका। तो अभी देखा जाए तो 2 ओवर में अपना स्कोर है 35 रन। नेक्स्ट ओवर तेवातिया है, यार ये लो रेटिंग बॉलर लेके आया है ना, इसकी बैट बजने वाली है। वैसे यहाँ पे एक ही रन लूँगा, तो 36 पे पहुँचे हम 2 ओवर 1 गेंद। अब देखते हैं नेक्स्ट बॉल, यहाँ पे अच्छे से खेला है फिर से एक और बार। अब यहाँ पे मैं 2 ही रन ले पाऊँगा, बट नो इश्यू। अभी हम जो है वो पहुँचे 37 पे। अब 2 विकेट जा चुकी है और देखा जाए तो अपने पास यहाँ पे टाइम ही टाइम है खेलने के लिए, और आराम से अभी 2.5 ओवर का गेम बचा है यारो, 39 पे है ना, और अभी भी आगे की 2.5 ओवर खेलेंगे तो अच्छा खासा स्कोर हम कर ही देंगे। यहाँ पे छक्का गया, 45 पे पहुँचे। अब नेक्स्ट बॉल एक और छक्का, देखो यही बात मैं कर रहा हूँ, अगर जब बल्ला चलेगा ना तो तू तड़ाक धड़ाधड़ यहाँ पे छक्के देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे एक और छक्का भाई साहब, 3 ही ओवर में हम पहुँच चुके हैं 57 पे, 3 छक्के बैक टू बैक। अब नेक्स्ट ओवर है यहाँ पे जय रत्न का, जो कि फास्ट मीडियम बॉलर है, और चलो शुरू करते इससे भी खेल के। अरे वाह मस्त शॉट, 156 पे कनेक्शन बन गया, 61 पे पहुँच गए यहाँ पे हम। 3 ओवर 1 गेंद, नेक्स्ट बॉल बहुत बढ़िया, यहाँ पे सिर्फ एक ही रन आएगा, बट कोई इश्यू नहीं। अभी स्ट्राइक पे है इविन लुइस, वैसे यहाँ पे टाइमिंग हल्का सा मिस हुआ सिर्फ। अब देखते हैं नेक्स्ट बॉल, यहाँ पे भी यार एकदम माइनर सा टाइमिंग मिस हो रहा है, बस एकदम माइनर सा टाइमिंग मिस, नहीं 2 रन नहीं लेने, रिस्की रहेगा। वैसे यहाँ पे वार्निंग दे चुके हैं अंपायर। 3 ओवर 3 गेंद 63 रन 2 विकेट। अब यहाँ पे जो है वो उठा के खेल दिया, फिर से एक ही रन मिलेगा, एक ही मिलेगा, 64 पे पहुँचेंगे। 4 ओवर अभी हुई नहीं है, 2 गेंदे बाकी है। अब यहाँ पे मैं खेलूँगा 363, यार फिर से टाइमिंग नहीं हुआ है, हो क्या रहा है, टाइमिंग क्यों नहीं हो रहा है इस पे ससुरा, हल्का हल्का सा मिस हो रहा। चलो कोई ना, 66 पे पहुँचे, अब ओवर का आखिरी गेंद बचा है, इस बार खेलेंगे 308।
बेहतरीन तरीके से कनेक्शन बनाया और अभी हम पहुँचेंगे 72 पे। चार ओवर हो चुकी है, 72 रन, दो विकेट और लास्ट ओवर अब है यू मलिक, उमरान मलिक का ओवर है और इसको भी भाई तोड़ना है एकदम। वैसे यहाँ पे मैं दो ही रन ले सकता हूँ, ज़्यादा कुछ हो नहीं सकता। तो 7 गेंदे 17 रन यहाँ पे क्रिश लिन के। अब 74 पे पहुँचे हम, 4 ओवर 1 गेंद, नेक्स्ट बॉल बहुत बढ़िया हिट, बहुत ज़बरदस्त 510 खेला है। 80 पे पहुँच जाएंगे, 4 ओवर 2 गेंद, अभी तो बहुत ज़्यादा मैच बाकी है, 4 गेंदे बाकी है भाई। यहाँ पे एक और चौका, बहुत बढ़िया 84 पे पहुँचे हम, 4 ओवर 3 गेंद, 84 रन 2 विकेट। अरे यार देखो यार कितना मिस हुआ है, देखो एकदम हल्का सा मिस हुआ, सीधा कैच चला गया। ससरा एटलीस्ट 2 रन का चांस मिल जाता काफ़ी अच्छा रहता, बट कोई नहीं, अभी भी अपने पास एक बैट्समैन है जिसका टाइमिंग 78 का है, जो है यहाँ पे दिनेश कार्तिक, और ये भी बड़े हिट लगा सकते हैं और पहले ही बॉल पे छक्का मार भी दिया है। तो 4 ओवर 5 गेंद, 90 रन 3 विकेट। अब ओवर का आखिरी गेंद और इनिंग का भी यहाँ पे 4-3-1 उठा के खेल दिया है फिर से, और हम पहुँच जाएंगे 96 पे। बढ़िया काम कर दिया दिनेश कार्तिक ने, आते ही 2 छक्के बैक टू बैक मार दिए, 2 गेंदों में 12 रन पे पहुँच गया वो। अब यहाँ पे नेक्स्ट जो है वो टीम सेफर और टीम डेविड सामने की ओर से बल्लेबाजी करने के लिए आ चुके हैं, और अभी हम करेंगे बॉलिंग। वैसे शुरुआत करेंगे शॉन विलियम्स के साथ, ओपोनेंट ने शुरुआत अच्छी करी है 4 रन के साथ, पहली गेंद पे चौका। अब नेक्स्ट बॉल मैंने कराया योकर, और यहाँ पे भाई साहब बढ़िया खेले, 1 ही रन जाएगा, वैसे दूसरा ले नहीं सकते क्योंकि हम तो कीपर की ओर ही थ्रो करने वाले हैं। नेक्स्ट बॉल 363 खेला पर चूक गए, विकेट आएगा। अब टीम डेविड, बहुत बड़ी विकेट है ये, बहुत बड़ी विकेट है, इसकी टाइमिंग ही अच्छी थी, बाकी ओपोनेंट का स्कोर एकदम झंड है, बट हम जो है वो इसको अभी ही पापड़ बेलने पे मजबूर कर देंगे। देखो अभी 6 रन 1 विकेट, 4 गेंदे हो चुकी है। अब नेक्स्ट बॉल फिर से करा है केरम, ये बढ़िया हिट, 288 खेला है अच्छे से। वैसे सेफर को भी आउट करना पड़ेगा, इसका टाइमिंग भी 72 या 74 ऐसा कुछ है, जो कि अच्छा टाइमिंग है। अब यहाँ पे एक और चौका, 14 पे पहुँच जाएंगे ये, और पहला ओवर समाप्त, ए इस्लाम है नेक्स्ट ओवर करने के लिए, बच गए यार ये, यहाँ पे विकेट आ सकता था। वैसे मुंड्रो का टाइमिंग भी अच्छा है, इसका भी कुछ 72 के आसपास का है, तो ये टाइमिंग भी अच्छा है मुंड्रो का भी। तो इन दोनों बैट्समैनों को अगर आउट कर दिया तो काफ़ी अच्छा खासा मैच जो है कंप्लीट हो ही जाएगा यहाँ से ही। वैसे यहाँ पे एक ओवर चौका जाएगा, 308 खेला, 1 ओवर 2 गेंद, 20 रन 1 विकेट, बढ़िया यार, गेप ढूंढ के खेलने की कोशिश कर रहे हैं। मैक्सवेल शॉट खेला है शायद, कौन सा नंबर है इसका, 328, अरे वाह, अब आ गया ना ऊंट पहाड़ के नीचे, विकेट मिल चुका है, 24 रन पे दूसरा विकेट आया, मुंड्रो आउट। अब शायद इसके पास कोई अच्छा बैट्समैन बचा नहीं है, देखो नहीं इसका भी 70 का है टाइमिंग, ठीक है नो प्रॉब्लम, एस्टन टर्नर कब तक बचोगे। वैसे ये भी विकेट आ ही गया, लो 24 पे थर्ड विकेट आ गया, गया टर्नर भी गया, काम बन गया अपना, टर्नर भी आउट हो चुका है। 70 की टाइमिंग एक अच्छी टाइमिंग है, फिर उसके नीचे की टाइमिंग है ना वो ठीक ठाक है, बट 70 की टाइमिंग तक हाँ अच्छा खेला जा सकता है। वैसे यहाँ पे कितने रन जाएंगे, 4 रन, यार गेप ढूंढने में माहिर है ओपोनेंट, 28 पे पहुँचे 2 ओवर के बाद, बट फिर भी काम नहीं बनने वाला इतने से रनों से भाई। 97 का हैवी टारगेट है अभी यहाँ पे, इयान बटलर सस्ता मलिंगा है अपने पास, और एक इसकी खास बात यह है कि ये फास्ट मीडियम नहीं फास्ट बॉलर है, यहाँ पे विकेट आ जाएगा। और इसका फ़ायदा क्या है पता है, इसका गेंद जो है बिल्कुल भी बाउंस नहीं होगा अगर स्विंग करेंगे, तो यहाँ पे ओपोनेंट पूरे तरीके से कंफ्यूज होने वाला है। अब नेक्स्ट बॉल फिर से मैंने स्विंग डाला, देखा बाउंस ही नहीं हुआ, 292 भी कनेक्ट नहीं होगा यहाँ पे। अब फिर से एक बार आउट स्विंगर करेंगे, देखो ये भी कनेक्ट नहीं होगा, तो ओपोनेंट जो है वो अब पूरा ही परेशानी में हो सकता है। अब नेक्स्ट बॉल, ये अच्छा शॉट खेलने की ट्राई करी भाई ने, बहुत पहले से ही इतने स्टेप आगे ले लिए, उसको लगा ही होगा कि ये यहाँ पे ही अब गेंद करेगा। अब नेक्स्ट बॉल मैंने कर दिया योकर, अब यहाँ पे देखते क्या खेलते भाई, अरे वाह 470 खेल दिया, बहुत बढ़िया, और भाई साहब ने मार दिया गेप में, 34 पे पहुँचेंगे 3 ओवर के बाद, जो कि बड़ा ही सस्ता स्कोर है अब टारगेट के हिसाब से, तो अब तो अपने को कोई टेंशन नहीं है। अब मैं क्या सोच रहा हूँ
कि इसको एटलीस्ट 40 के ऊपर से रनों से हराया जाए, क्योंकि 40 ऊपर रन से अगर इसको हराएंगे तो अपना एक्सपी प्लस होगा 45 के आसपास का, तो बहुत ज़्यादा प्लस होने वाला है अपना एक्सपी अगर इसको बहुत बुरी तरीके से हराया तो। अपना अभी कोशिश यही रहेगा कि बस इसको अच्छे से हराया जाए। अब 38 रन पे 5वां विकेट आ चुका है, कूपर भी आउट, 292 इतना खेलने का इसको शौक है भाई, कभी इसको गैप मिलेंगे तो मिलेंगे, बट विकेट भी इसकी इतनी ही जाने वाली है। अब नेक्स्ट बॉल स्ट्रेट करेंगे, लो मिल गया गैप, गैप की बात करी और गैप मिल गया, 42 पे पहुंचेंगे 3 ओवर 4 गेंद। नेक्स्ट बॉल इन स्विंग कराए, लो अब कैच भी आ गया, कर लो बात, अब तो ये कुछ नहीं कर सकते, 42 पे 6 विकेट जा चुके और अच्छे खासे बैट्समैन सारे आउट। अब यहाँ पे बचे हैं तो सिर्फ बॉलर्स, देखो अब जो है 64 टाइमिंग वाले प्लेयर्स आ चुके हैं, तो अब इनसे तो ये उम्मीद रख नहीं सकते, तो मेरे ख्याल से अब ये बस 292 ही खेलने वाले हैं, लगा तो लगा नहीं तो गया, तो यहाँ पे चौका लग जाएगा। वैसे 46 पे पहुँचेंगे। अब लास्ट ओवर की बारी है शमशी की, अब लेग स्पिन से शुरू करते हैं हम। अरे वाह, ये तो 292 पे 292 खेल रहा है भाई, कितना 292 खेलोगे। एक ओवर विकेट आ चुका है, 46 पे 7वां विकेट आएगा, 4 ओवर 2 गेंद। अब ओपोनेंट को चाहिए 4 गेंदों में 51 रन, और अपना टारगेट ये है कि अपने को 40 रन के ऊपर से जीतना है। मतलब ओपोनेंट अब अगर 11 रन ले लेता है तो ठीक है, तो अपना एक्सपी थोड़ा कम प्लस होगा, बट हम लेने नहीं देंगे इसको इतने रन। वैसे यहाँ पे 4 ओवर 3 गेंद, 47 रन 7 विकेट, एक पैर पे लग के 1 रन मिल गया। अब नेक्स्ट बॉल लेग स्पिन कराए, एक और विकेट आ जाएगा, 47 पे 8वां विकेट आएगा, 4 ओवर 4 गेंद। अब यहाँ पे ये जो बल्लेबाज है वो 4 रन बना के आउट हो चुका है, देखते हैं आगे क्या प्लान है इनका, क्योंकि 8 विकेट तो इनकी चाह ही चुकी है। वैसे अब तो क्या ही प्लान कर लेंगे, स्लीपर बॉल डाला है और इस बार भी एक ही रन जाएगा, बहुत बढ़िया। अब एक गेंद में अगर ये छक्का भी मार देना तब भी 43 रन से जीतेंगे, तो अब कोई टेंशन की बात है नहीं। वैसे लो कर लो बात, हो गया अपना कामकाज अच्छे से, और अभी हम जीत चुके हैं पूरे के पूरे 46 रन से जीते इस मैच को, और अब अपना एक्सपी प्लस होगा बहुत ज़बरदस्त। और वैसे वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाई।